आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सोमवार 9 अक्टूबर 2023 की शाम अचानक कचहरी चौक पर तेज फव्वारा उठा। फव्वारा आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त, कितनी ऊंचाई तक ये फव्वारा जा रहा है। दरअसल मेन राइजिंग पाइपलाइन जो फीडर लाइन है वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई है और उसके कारण फव्वारा उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा था। ये एक ऑटो है, इस ऑटो में कुछ होर्डिंग्स लदे हुए हैं। ये होर्डिंग वे होर्डिंग है जो निकाले जा रहे थे या ये होर्डिंग वे हैं जो लगने जा रहे थे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पर यहाँ आप देख सकते हैं कचहरी चौक पर पानी का यहाँ पर धल्ला बहता हुआ दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी में किस असुरक्षित तरीके से पाइपलाइन डाली गई है, नवीन जलावर्धन योजना खुर्द-बुर्द हो चुकी है। नवीन जलावर्धन योजना में जितनी भी विसंगतियां थीं, मीडिया के द्वारा बार बार उन विसंगतियों को उजागर करने के बाद भी नगर पालिका परिषद, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की, किसी के द्वारा भी उसमें संज्ञान नहीं लिया गया। ठेकेदार को नियमित तौर पर भुगतान होते रहे, भुगतान के बाद ठेकेदार को जो रखरखाव करना था वो रखरखाव भी किस तरह से किया जा रहा है, ये बात सिवनी शहर के लोगों से छिपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शासित नगर पालिका परिषद के कार्यकाल में इसे डाला गया था, कांग्रेस इसका विरोध करती रही। कांग्रेस के द्वारा दरअसल विरोध किया जाता रहा जो गुणवत्ता और ठेकेदार के तरीके पर जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई, लगभग एक साल हो गया और एक साल के अंदर सिवनी में नवीन जलावर्धन योजना पर के ठेकेदार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई आज तक होती प्रतीत नहीं हुई। पानी की बर्बादी आप देख रहे हैं। जैसे ही नगरपालिका परिषद के तकनीकी अमले को इसकी जानकारी मिली, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि नगरपालिका परिषद का तकनीकी अमला तत्काल मौके पर पहुंचा। वैसे सबसे पहले नगरपालिका परिषद के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को जानकारी भी दी कि सबसे पहले जैसे ही उन्हें ये जानकारी मिली, उनके द्वारा श्रीवनी फिल्टर प्लांट से पंप बंद कराए गए, जिन पंप्स के जरिए पानी भरता है सिवनी शहर की टंकियों में, और जितना पानी पाइप में होगा वो पानी यहाँ पर आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। पर पानी का फव्वारा आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त फव्वारा था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। कचहरी चौक पर ऑटो भी खड़ा हुआ है अभी तक वहाँ पर, ये जो जब तक ये खबर वहाँ से बनाई जा रही थी तब तक पुलिस का कोई कारिंदा भी वहाँ दिखाई नहीं दिया। दरअसल देखा जाए तो अभी हाल ही में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा ये बताया गया था कि हर एक वाहन की ऊंचाई, लंबाई, मोटाई सब कुछ निर्धारित है, और लोडिंग ऑटो में आप देख सकते हैं कितनी चौड़ाई के होर्डिंग्स यहाँ पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। ये नियम अनुसार या नियम विरुद्ध, ये बात तो यातायात पुलिस परिवहन विभाग ये ही बता पाएगा। आचार संहिता लागू होने के बाद भी इस तरीके के जो अवैध रूप से चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई या लंबाई जो भी नियमों के प्रतिकूल चल रहा है उस पर अभी भी अंकुश नहीं लग पाया है, जो सबसे दुख की बात मानी जा सकती है। कचहरी चौक पर यहाँ देखिए पुलिस का वाहन यहाँ से निकल रहा है, पुलिस के दो वाहन यहाँ से निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, पर पानी बह रहा है, यहाँ कोई भी आपको पुलिस का कर्मचारी दिखाई शायद नहीं दे रहा हो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सुबह 10 मंगलवार 10 अक्टूबर को सुबह शायद पूरे प्रेशर से पानी ना आ पाए, और ये पानी की जिन टंकियों में पानी भर रहा होगा उन टंकियों में पानी रात में नहीं भर पाएगा, और नहीं भरने के कारण पानी की सप्लाई 10 अक्टूबर को उस तरह शायद ना हो पाए जिस तरह रोजाना होती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ऑटो भी खड़ा हुआ है, उसके ऊपर फ्लैक्स भी रखे हुए हैं, फ्रेम के साथ फ्लैक्स रखे हुए हैं,
टूटी पाइपलाइन भी, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन भी दिखाई दे रही है, पानी बहता हुआ भी दिखाई दे रहा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं होती है। कांग्रेस शासित नगरपालिका है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार में अभी तक है, आचार संहिता लग चुकी है, पानी की बर्बादी आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। किसका यहाँ पर किसकी गलती है, किसकी गलती के कारण ये हुआ है, इस तरीके की घटना घटी है, ये अन्वेषण का विषय है। पर कोई भी सरकारी नुमाइंदा आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।